वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ेंगे 7 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इन ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो इन चारों में से आपने बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु बिकेम नमीबियाज फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट आफ्टर विनिंग द 8th प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। तो नमीबिया की जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट अभी अभी बनी है, तो ये कौन बनी है? ठीक है, ये आपकी बनी है नेतुम्बो नंदी जी। ठीक है, और ये जो है ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं आपकी स्वैपो पार्टी से बिलोंग। ठीक है, नेतुम्बो नंदी जी किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? स्वैपो पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्क्वेयर किया 57% वोटिंग जो है वो इनको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑन विच डेट इज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व एनुअली। तो इंडियन नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, तो 4 दिसंबर को क्या किया गया था? इंडियन नेवी के द्वारा सक्सेसफुली कराची पे अटैक किया गया था 4 दिसंबर को, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है आजकल 4 दिसंबर को। ठीक है, तो इंडियन नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है हु वाज स्वॉर्न इन एज श्रीलंका 48th चीफ जस्टिस ऑन 2 दिसंबर 2024। तो श्रीलंका के अभी भी 48th चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो ये कौन बनी है? तो ये सिर्फ आपके 48th चीफ जस्टिस ही नहीं है, ये सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस भी हैं। ठीक है, श्रीलंका की सेकंड जो है चीफ जस्टिस बनी है, ये कौन बनी है? वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, ये कौन बनी है? जस्टिस मुर्दू फर्नांडो। ठीक है, तो जस्टिस मुर्दू फर्नांडो जो है ये बनी है श्रीलंका की 48th चीफ जस्टिस। ठीक है, और सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस। इन विच इंडियन स्टेट वाज मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च्ड? तो मिशन अरुण हिमवीर जो है वो लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा? टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड एनहेंस मार्केट लिंकेजेस। तो लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए अभी अभी जो लॉन्च किया गया है मिशन अरुण हिमवीर, तो ये किस जो स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये स्कीम जो है ITBP और अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो है MOU साइन किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा? जो फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रॉपर्टीज़ जो है इनको जो है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस आते हैं बॉर्डर रीजन में उसको भी रिमूव किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो मिशन अरुण हिमवीर स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है वेयर इज़ द UNCCD COP16 कॉन्फ्रेंस बींग हेल्ड? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है। ठीक है, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, तो ये कहाँ पे हो रही है? तो ये आपकी हो रही है रियाद में। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं COP17 जो है ये होगी आपकी मंगोलिया में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ये हर 2 साल बाद, ठीक है, UNCCD की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ये हर 2 साल बाद होती है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी COP17 होगी ये कहाँ पे होगी? मंगोलिया में। तो जो COP14 थी तो वो हमारी हुई थी इंडिया में। ठीक है, COP14 कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। तो इस साल जो COP16 की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो UNCCD जो है ये आपकी एस्टैब्लिश हुई थी 1994 में पेरिस में। ठीक है, तो इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1996 में। तो ये उस टाइम 196 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो थी रेटिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस साल जो है 197 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है आपकी UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है? ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, UNCCD की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जैसे कि मैंने बताया COP17 कहाँ पे होगी आपकी? मंगोलिया में होगी 2026 में होगी, और 2024 में कहाँ पे हो रही है आपकी? सऊदी अरब के रियाद में। तो COP14 जो थी वो इंडिया में हुई थी, तो उसकी उस वक्त की जो थीम थी वो क्या थी? रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, तो COP15 में इंडिया ने कमिटमेंट की है कि वो क्या करेगा? रीस्टोर करेगा 27 मिलियन हेक्टर ऑफ डीग्रेडेड लैंड। ठीक है, उसको रीस्टोर करेगा बाय 2030। तो COP15 जो पिछली जो हमारी COP15 हुई है तो उसकी जो थीम रही है वो क्या रही है? लैंड लाइफ लिगेसी। ठीक है, फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो इसके अंडर क्या डिक्लेयर किया गया था? जेंडर इक्वलिटी अचीव करने के लिए, और इसके साथ साथ 1 बिलियन हेक्टर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने, ठीक है, बाय 2030 जो है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, 1 बिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो इंडिया ने COP15 में क्या डिसाइड किया? 26 मिलियन हेक्टर जो लैंड है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो COP16 है वो कहाँ पे हुई आपकी? रियाद में। ठीक है, और इसकी जो थीम है इस बार की वो क्या है? अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व एनुअली। तो इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, और ये 2 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो थी कन्वेंशन जो हुई थी, कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इसको जो था अडॉप्ट किया गया था 2 दिसंबर 1949 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है वेयर इज द इंडिया कंबोडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स बीइंग हेल्ड। तो सिनबैक्स जो है इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में हुई है, और ये कहाँ पे होगी आपकी? पुणे में। ठीक है, ये कहाँ पे होगी आपकी? पुणे में।
तो नेक्स्ट हमारी जो तो करंट अफेयर है वो क्या है, विच स्टेट इज सेट टू इंप्लीमेंट द राइट टू ब्रोसा स्कीम। तो राइट टू ब्रोसा स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपकी लॉन्च की गई है तेलंगाना के द्वारा। तो तेलंगाना की जो राइट टू बंधु स्कीम थी, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाई गई हैं, ठीक है। तो राइट टू ब्रोसा स्कीम के अंदर जो राइट टू बंधु स्कीम के अंदर जो 10,000 रुपीज मिला करते थे फार्मर्स को, तो अब वो बढ़ा दिए गए हैं, वो 15,000 पर एकड़ जो है वो अब मिलते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वेव कर रही है आपका क्रॉप लोन को भी, थोड़ा उसको छूट दी जा रही है उसमें। तो कितनी जैसी कितनी अमाउंटिंग 20,616 करोड़ रुपीज़ जो है वो वेव किए जाएंगे क्रॉप लोन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे 25.35 लाख फार्मर जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब आज हम जो है हर बार की तरह एक स्टेट की जो है स्ट्रैटेजी के पढ़ेंगे, और यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं तेलंगाना की स्ट्रैटेजी के। तो तेलंगाना जो था वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को, और इसका एरिया कितना है, 1,12,070 स्क्वेयर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और इसकी पॉपुलेशन 3,51,93,978 जो है इसकी पॉपुलेशन है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स 19 हैं, राज्यसभा के 7 सीट्स, और इसकी जो GDP है ऑलमोस्ट कितनी है, 15.2 लाख करोड़। तो आपको चलो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हरियाणा की GDP कितनी है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से है, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, और मरुगवनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपके 3 नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तेलंगाना में। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 33। तो जो स्टेट एनिमल है तेलंगाना का वो कौन सा है, स्पॉटेड डियर, ठीक है, और जिसको हम जिंका भी बोलते हैं। स्टेट बर्ड क्या है, इंडियन रोलर, ठीक है, और ट्री स्टेट ट्री कौन सा, प्रॉस्पी सिनेरिया, ठीक है, जिसको हम जम्मी चेट्टू भी बोलते हैं, इसको मेरे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ठीक है। तो स्टेट फ्लावर कौन सा, टैनर्स कैसी है, ठीक है, ये आपके आगे, ठीक है। तो इसकी तांगेरू पुवू जो है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेट फ्लावर है इसका, किसका, तेलंगाना का, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा, प्रॉस्पिस, ठीक है, सिनेरिया, और इंडियन रोलर बर्ड है, स्पॉटेड डियर जो है स्टेट एनिमल है तेलंगाना का। तो नेक्स्ट हम आज तेलंगाना की कुछ स्कीम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स लाई गई हैं तेलंगाना के द्वारा। सबसे पहली जो स्कीम है जिसको जिसमें रायतू बंधु स्कीम, ठीक है, इसमें अभी जो है क्या की गई है, रिसेंटली चेंजेस की गई हैं, और किस नाम के साथ जानी जाती है, रायतू ब्रोसा स्कीम के साथ। तो इस स्कीम के अंदर क्या है, 10,000 पर एकड़ जो है फार्मर को जो थी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है थी प्रोवाइड की जाती थी 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लेकिन अब जो है वो कितने रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, 15,000 रुपीज़ पर एकड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है रायतू बीमा स्कीम, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, फार्मर्स इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ठीक है, और ये किसकी पार्टनरशिप के, एलआईएस के साथ पार्टनरशिप की गई है, और उसके द्वारा जो है इंप्लीमेंट की जाती है रायतू बीमा स्कीम, और इसके अंदर कितना, 5 लाख रुपये का जो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है फार्मर्स को, और जो फार्मर्स की एज कितनी होनी चाहिए, 18 to 59 ईयर्स एज, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है मिशन काकतीय। तो ये स्कीम जो है जो इरिगेशन फैसिलिटी और वाटर स्टोरेज जो है उसको इंप्रूव करने के लिए जो है लेक्स और टैंक्स जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा इस मिशन काकतीय स्कीम के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जाएगी टैंक्स की, रिपेयर किए जाएंगे टैंक, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है मिशन भागीरथ। तो मिशन भागीरथ जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी है, हर घर नल, ठीक है, तो वही स्कीम है, ठीक है। ड्रिंकिंग पाइप वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर हाउस होल्ड में, ठीक है। तो रूरल और अर्बन एरिया में जो है वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कीम आती है। तो सबसे पहली स्कीम आती है KCR किट स्कीम। तो KCR किट स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, ठीक है, जो और पोस्ट नेटल केयर है वो प्रोवाइड उसको प्रमोट किया जाता है स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, 12,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। किस लिए, जो न्यू बॉर्न्स हैं, ठीक है, उनकी उनके लिए जो एसेंशियल आइटम खरीदने के लिए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर बेटी होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर फीमेल चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है आसरा पेंशन स्कीम। तो आसरा पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे एल्डर, विडोज, डिसेबल्ड, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मंथली पेंशन लगाई जाती है उनको 2,000 से लेकर 3,016 रुपीज़ की जो है वो पेंशन जो है वो लग सकती है अंडर आसरा पेंशन स्कीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है कल्याण लक्ष्मी एंड शादी मुबारक स्कीम। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, जैसे कि नाम से आप जान सकते हो, ठीक है, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, वन टाइम जो असिस्टेंस फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल, ठीक है। तो गर्ल की जो शादी करवाने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, और किनको प्रोवाइड की जाती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, ऑलमोस्ट 1 लाख, ठीक है, 116 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं स्कीम के अंदर, ठीक है, कल्याण लक्ष्मी एंड शादी मुबारक स्कीम के अंदर। नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो किसके रिलेटेड, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो इसमें माना औरू और माना बड़ी स्कीम जो है वो क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और डिजिटल क्लासरूम, क्लीन वाटर फैसिलिटी, फंक्शन टॉयलेट्स और फर्नीचर्स, ये सारे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, तो इसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को इस स्कीम के अंदर, ठीक है, फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन, और फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी
विद मॉडर्न फैसिलिटी स्कीम को जो मिनोरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई की जाएगी तेलंगाना मिनोरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के स्कीम के अंडर। तो नेक्स्ट हमारा आता है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो स्कीम आती है, तो डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम, इसके अंदर क्या किया जाएगा, ये प्रोवाइड करेगा फ्री हाउसिंग टू द अर्बन पुअर। तो जो अर्बन ठीक है गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड की जाती है फ्री हाउसिंग, ठीक है, जिसमें दो बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा, एक किचन, दो टॉयलेट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है हरिता हराम स्कीम, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक मैसिव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ठीक है, पेड़ लगाए जाएंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है, हरित, ठीक है, हरित जैसे कि नाम से आप जान सकते हो, हरित हरित, इसमें क्या किया जाएगा, ग्रीनरी जो है उस पर फोकस किया जाएगा, ग्रीन कवर के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इसमें जो है इट एम्ड एट इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट टू 33%। तो ग्रीन कवर जो है वो कहाँ कब कहाँ तक पहुँचाएगा, कितने परसेंट तक पहुँचाया जाएगा, 33% तक जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ इनिशिएटिव्स, तो आरोग्य लक्ष्मी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, ठीक है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है और जो मेटरनल मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है बस्ती दवाखाना, तो बस्ती दवाखाना क्या है, जो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज और जो अर्बन स्लम्स है वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ आपको डायग्नोस्टिक्स, फ्री मेडिसिन, आउट पेशेंट सर्विसेज ये जो है वो प्रोवाइड की जाएगी किसके अंदर, बस्ती दवाखाना स्कीम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है TSI पास, ठीक है, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है फॉर इंडस्ट्री और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो है अप्रूवल के लिए जो है टाइमलाइन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। तो ये किसके लिए है, तेलंगाना की स्कीम, यह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है इसको इस स्कीम के अंदर जो है प्रोवाइड प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टी हब, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, स्टार्टअप और इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटरिंग और नेटवर्किंग जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो नए स्टार्टअप्स होंगे उनको, ठीक है। तो ये हमारी थ्री आज की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर लेक्चर।